प्रयागराज के करेली थाना में अवैध वसूली का खेल, थाना अध्यक्ष से मिलवाने के बहाने फरियादियों से ऐंठ रहे पैसे, आरोपी कांस्टेबल मनमोहन यादव के वीडियो से खुलासा। यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जनता से अपील, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जरूर करें पालन। अयोध्या के विकास पर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, रामनगरी को 16 सिटी के रूप में विकसित करने के निर्देश, हवाई अड्डे के निर्माण में तेजी लाने को कहा, विश्व स्तर पर अयोध्या के प्रचार की तैयारी। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, मुठभेड़ में नामी बदमाश दिलशाद को लगी गोली, दिलशाद के बाकी साथी भागने में हुए कामयाब, दिलशाद पर गौकशी के कई मुकदमे दर्ज, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के देवली के जंगल में हुई घटना। प्रयागराज में थाना अध्यक्ष से मिलवाने के बहाने फरियादियों से वसूली, करेली थाना में चल रहा अवैध वसूली का खेल, अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू। कानपुर के नजीराबाद इलाके में वाईफाई नेटवर्क पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम लिखने वाले शख्स की तलाश के लिए अब साइबर सेल की टीम को लगाया गया, स्थानीय निवासियों ने पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा वाईफाई हैक करने की आशंका जताते हुए सूचना पुलिस को दी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एटा के नगर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने गैस एजेंसी के कर्मचारियों से 7 लाख रुपए लूट लिए, जानकारी के मुताबिक आवागढ़ हाउस स्थित गैस एजेंसी के मालिक के घर के सामने ही बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में बाइक पर जा रहे पिता पुत्र और कुछ बदमाशों ने किया हमला, एक की मौत, बदमाशों ने बाइक को भी नहर में फेंका, मौके से फरार हुए सभी बदमाश शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने सराफापारी से लूटा चांदी और सोना, थाना हाईवे इलाके के जय गुरुदेव फ्लाईओवर के पास की वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव, घर से नौकरी ढूंढने निकला था शख्स, मसूरी थाना इलाके की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंदौली के आरपीएफ और रेलवे क्राइम ब्रांच टीम को मिली सफलता, टीम ने सहज जन सेवा केंद्र संचालक को फर्जी ई टिकट बनाने के आरोप में किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 98 टिकट, 18 फर्जी आईडी, लैपटॉप और मोबाइल बरामद। फिरोजाबाद में हिमायूपुर क्षेत्र के एक नाले में मिला बच्चे का शव, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस की डायल 112 की गाड़ी पर बैठे एक शख्स का फोटो वायरल, अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए रिजवान नाम के शख्स पर दर्ज किया मुकदमा, शख्स की तलाश में जुटी पुलिस। बाराबंकी में एक महिला ने 4 साल के मासूम को नहर में फेंका, अपने 8 साल की बच्ची को भी नहर में फेंकने का किया प्रयास, बच्ची को ग्रामीणों ने बचाया, महिला ने खुद की भी खुदकुशी की कोशिश की, महिला को भी ग्रामीणों ने बचाया, 4 साल का मासूम लापता, पारिवारिक कलह से तंग आकर दिया घटना को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थित क्वारंटीन सेंटर में लगा गंदगी का अंबार, कोरोना मरीजों ने क्वारंटीन सेंटर के अंदर गंदगी की तस्वीरें की वायरल, मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था न होने का भी आरोप लगाया। बहराइच में कुछ दबंगों ने आश्रम में घुसकर महंत पर किया जानलेवा हमला, दबंगों पर आश्रम से हजारों रुपए भी लूटने का आरोप, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। छियासी में एक शख्स ने पैसे की लेन देन को लेकर एक महिला और उसके बेटे पर किया जानलेवा हमला, महिला की कलाई काटकर आला था, बेटे को आई गंभीर चोटें, पीड़ित मां बेटे को पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया, आरोपी राकेश की तलाश में जुटी पुलिस। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बरामदे में फंदे से लटकता मिला युवक का शव, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जामो थाना क्षेत्र के जोरावर मठिया गांव का मामला। बलिया में गुस्साए ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव, एएसपी जख्मी, थाने में युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद हुआ हंगामा। सीतापुर में सांप ने एक युवक को डस लिया, जैसे ही सांप ने युवक को डसा युवक ने सांप को पकड़ लिया, सांप को पकड़ने के दौरान उसने 3-4 बार युवक को काटा, बीच सड़क पर काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। बागपत में किसान पुलिस के साथ भिड़ गए, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर गंदे पानी की खेतों में निकासी को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बीएचयू के छात्र के लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, हाईकोर्ट ने कहा कि 22 सितंबर तक छात्र को ढूंढे पुलिस, छात्र नहीं मिला तो सीबीआई जांच। रामपुर में एसपी ऑफिस के सामने एक महिला और उसके पिता ने जमकर हंगामा काटा, जानकारी की माने तो महिला वकील से मिलने आई थी, इस दौरान वकील और उसके मुंशी से कहासुनी हो गई। जल संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए फिरोजाबाद जिला प्रशासन सम्मानित, फिरोजाबाद में 9 में से 6 विकास खंड डार्क एरिया घोषित। झांसी में पुलिस ने लूट की करने वाली बदमाशों का वीडियो फुटेज जारी किया, नवाबाद थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अवैध शराब बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार, पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए।
कोतवाली बड़ौत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, तमंचा बाइक बरामद, बदमाश पर हत्या सहित 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर में NH 235 पर चौड़ीकरण के लिए चिन्हित घरों को गिराया गया, मकान मालिकों ने बिना नोटिस के तोड़ने का आरोप लगाया। अमेठी के चतुर्भुज गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार, लगभग 20 लाख की अवैध शराब जब्त। रायबरेली के लालगंज कोतवाली इलाके में बच्चे का शव बाग में मिला, परिजनों ने अपहरण करके हत्या का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर में 80 पेटी अवैध शराब बरामद, 8 आरोपी गिरफ्तार, नहटोर पुलिस की कार्रवाई। झांसी के चिड़गांव थाना क्षेत्र में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी, जोगियाना मोहल्ले की घटना। सोनभद्र में खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त, सहकारी समितियों के सचिव सहित 8 लोगों पर केस दर्ज। बहराइच में शख्स की पेड़ से बांधकर पिटाई, ग्राम प्रधान पर लगा पिटाई का आरोप, मामले में लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज और सिपाही लाइन हाजिर, थाना खैरीघाट के पिपरिया गांव की घटना। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार की 2 फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 35 तमंचे, 3 बंदूक, 20 कारतूस बरामद, बुढ़ाना थाना और तेतावी थाना पुलिस की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना इलाके में 3 साल की बच्ची का शव खेत में मिला, परिजनों ने एक व्यक्ति पर लगाया बच्ची को घर से उठा ले जाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। संभल के गुन्नौर थाना इलाके में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापेमारी, 1 आरोपी गिरफ्तार, 24 तमंचे, 2 देसी बंदूक और कारतूस बरामद। हापुड़ में तहसील परिसर में अवैध तरीके से कब्जा किए गए चैंबर को प्रशासन ने खाली करवाया, थाना धौलाना इलाके का मामला। हापुड़ में बिजली घर में तैनात संविदा कर्मचारी की मौत को लेकर भारतीय किसान संगठन का धरना, पिलखुआ के खेड़ा सेकंड बिजली का घर का मामला। बुलंदशहर में बिजली विभाग में तैनात संविदा कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप, मामला खैरपुर क्षेत्र का, घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में प्रशासन ने यादव सेवा समिति और रामलीला के अन्य भवनों को सील कर दिया, करीब 52 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। लखीमपुर खीरी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया, जिला अस्पताल के वार्ड से मोर्चरी तक लावारिस बुजुर्ग महिला का शव चादर में लपेट कर ले जाते दिखे लोग। फतेहपुर में कच्चा मकान ढहने से मां बेटी की मौत हो गई है, परिजनों का किसी बैंक में खाता नहीं होने के कारण बीजेपी विधायक सहायता राशि नहीं दे पाए। उन्नाव में आशा वर्कर्स ने एरियर का भुगतान करने के बदले सीएचसी प्रभारी पर वसूली का आरोप लगाया, कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हुआ। गोंडा में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, थाना नवाबगंज के गोंडा अयोध्या राजमार्ग पर हुआ हादसा। वर्चुअल स्कूल और ई ज्ञान गंगा के माध्यम से पठन पाठन कराने को लेकर फिरोजाबाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कसी कमर, DIOS ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ की मीटिंग।